नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ्रधनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आकर दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम से क्या कहेंगे, इसका सभी को इंतजार था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए अपने दोस्त यानी प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में भारत अमेरिका के रिश्तों की मजबूती पर तो बात की ही, साथ ही भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में भी कसीदे पढ़े। रक्षा समझौता का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद पर भी निशाना साधा, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से प्यार का इजहार भी कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कल अपनी स्पीच में ये कहा था कि वो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे तो उसमें डिफेंस के क्षेत्र में डील्स पर भी बातचीत होगी। ट्रंप ने कहा था कि हम भारत को जल्द ही सबसे खतरनाक मिसाइल और हथियार देंगे, जिसके बाद उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत दोनों एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका पहले से ही लड़ाई लड़ रहा है, इस बात का जिक्र भी ट्रंप ने किया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अपने एक्शन में ISIS को खत्म किया और अल बगदादी का खात्मा किया है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम आतंकवाद के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहे हैं, पाकिस्तान पर भी अमेरिका ने दबाव बनाया है और पाकिस्तान को साफ शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो जल्द ही आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे यानी अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बेहद अच्छे हैं। इस आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं इस वजह से तनाव कम होगा तो इससे दक्षिण एशिया में तनाव तो कम होगा ही, साथ ही वो ये उम्मीद भी करते हैं कि दक्षिण एशिया और बाकी दूसरे देशों में शांति स्थापित हो जाएगी। जाहिर है, अपनी इस पूरी स्पीच में एक ओर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की और दूसरी ओर अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ये नसीहत भी दे दी कि वो आतंकवाद पर लगाम लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आतंकवाद के मुद्दे पर दिया गया भाषण हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया में छाया हुआ है। इसको लेकर लगातार हिंदुस्तान में बहस हो रही है तो वहीं पाकिस्तान की मीडिया यहां भी चालाकी दिखाने से बाज नहीं आई। ज्यादातर पाकिस्तानी मीडिया ने सिर्फ इस लाइन पर खबर बनाई कि अमेरिका पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्ते हैं और दोनों देश मिलकर इलाके में तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया काम की बात भूल गई। उन्हें जरूर याद रखना चाहिए था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने की नसीहत भी दी है। हालांकि पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अपनी वेबसाइट पर आतंकवाद पर ट्रंप की टिप्पणी को जारी किया है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के कई जो अखबार हैं, न्यूज चैनल हैं और साथ ही वेबसाइट हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा भाषण था उसमें सिर्फ पाकिस्तान से जो प्यार का इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस भाषण में किया वही दिखाया है। उसके अलावा आतंकवाद पर जो जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया उसका कहीं भी कोई उल्लेख इन पाकिस्तानी अखबारों में नहीं किया गया है। तो पाकिस्तान हर बार की तरह एक बार फिर अपनी आदत से मजबूर नजर आया और अपने देश में पल रहे आतंकवाद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से ये सच्चाई नहीं छिपा सकता है कि उसके देश में आतंकवाद पल रहा है। न्यूज के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।